मशीत के सामने मलिक साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज की आपकी तशरीफ आवरी का मकसद ये था कि मैं चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब आपको प्रेजेंट करूँ। हाँ, और इससे पहले मैं कुछ और कि ये किताब लिखने की क्या ज़रूरत पेश आई, ये मैं चाहता हूँ कि ये पहले इसके बारे में और फिर इसके बाद ये किताब के प्रेजेंट और किताब के कुछ हिस्से मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँ। पहली चीज़ तो ये कि ये क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी, जबकि इतनी सवान हयात दुनिया ने लिखी, कितनी 1000 कितनी 1562 लिखी गई, और अब इसके लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह हुआ कि हाँ, हमारे मेरे बुजुर्ग थे, ये हाफ सेंचुरी पहले की बात है, उन्होंने देखा, मेरे ख्यालात देखे, उन्होंने कहा ऐसा करें कि आप एक वजीफ़ा करें। मैंने कहा जी आप फरमाएं कैसे। उन्होंने बतलाया और वो वजीफ़ा 7 दिन का था, तो आम वजीफ़ों की तरह से नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन 7वें दिन मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी कतार है और उसमें हर रंग हर मज़हब का आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, और सिरे के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये मैंने अपनी बायोग्राफी में इसमें किताब के अंदर भी लिखा है, तो सिरे के ऊपर मैं हूँ। तो उसके बाद शोर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे, तो सब आदमी ऐसे खड़े हो गए, मैं भी इसी तरह से खड़ा हो गया। आप तशरीफ़ लाए, मैं सिरे पर था, और इतना फासला होगा ये इसका इतना या इससे थोड़ा सा एक सीढ़ी तक, उस फासले पर आप एक कब्र बनी हुई थी और उस कब्र के अंदर मिट्टी जर्द रंग की डली हुई थी। आप आए और उसके अंदर लेट गए। अब सब आदमी आगे आए जल्दी जल्दी और आ करके उस मिट्टी से आपको ढक दिया, पूरे यानी कब्र बना दी। बनाने के बाद उसी तरह से कतार के अंदर खड़े हो गए। अब मैं देख रहा था ये खड़ा हुआ। हाँ, फिर आवाज़ आती है कब्र से, मैं उठना चाहता हूँ, बस अब मैं आगे बढ़ा और बढ़ करके ये मिट्टी हटाई। ये मिट्टी हटाने के बाद जो है वो अपना हटा के सारे जिस्म को मेरे हाथ लगे और आप उठ करके बैठे और फिर ऐसे मैं खड़ा हो गया। आप ऐसे तशरीफ़ ले गए और ले जा करके इस तरफ जो है एक बनी हुई थी चौकी, उसके ऊपर आप बैठ गए। हज़रत जिब्राइल पानी की बाल्टी लेकर के आए, आपने वो पानी की बाल्टी ली और मुंह धोया, और जुल्फ़ें थी, आपने अपने जुल्फ़ों को पीछे की तरफ किया कानों से, और फिर आपने आवाज़ लगाई, रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान कर दो, आज रस्म अदा नहीं होगी, नशर व अशात का सिलसिला जारी रहेगा। बस इतनी बात थी, मेरी आँख खुल गई। अब खुल गई तो मुझे ये मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। तो फिर जो घर में थे उन्होंने कहा क्या बात है, क्या हुआ, कोई ख्वाब देखा। मैंने कहा हाँ। बस मैं उठ करके सीधा वहाँ गया अपने शेख के पास। मैंने कहा या सैयदी, मैंने ये देखा। कहने लगे अगर रस्म अदा हो जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन खैर चलो ठीक है, नशर व अशात की इजाज़त हुई। ये नशर व अशात जो थी, अब उसको उस जगह पर आने के लिए मेरे शेख ने ये कहा कि देखो ये जो मिट्टी से लोगों ने ढक दिया है, अब ये मिट्टी तुम्हें हटानी होगी, मगर मिट्टी हटाने के लिए मुझे हाफ सेंचुरी लग गई। मैंने और इल्म के काम करता रहा और इस जगह पर ना पहुंच सका। अब जब ये शुरू किया तो ये अवान साहब से वहाँ ये आते जाते थे फार्म में, और मैं फार्म में जाता था, वहाँ बैठ के मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो मुझे आम किताबों की इतनी मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक किताब उन्होंने दी कि अल्लामा शिबली नौमानी की, तो मैंने कहा कि इसको देखूं, लेकिन मेरी फ़िक्र उसको बहुत सी चीज़ों को तस्लीम नहीं करती थी, तो खामोश रहा। मैंने कहा फिर
फिर रात को आवाज़ आती है, अल्लाह ताला ने तुझे लौहे महफूज बख्श दी है, बस उसके सहारे फिर मैं ये चलाऊँ। और ये मैंने लिखा, कई बरस लगे इसमें लिखने में, और लिखने के बाद इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आपको इसमें पढ़ के सुनाऊँ। दरअसल इस किताब को मैंने क्यों ये सोचा कि क्योंकि मैंने अपने ख्याल में, मेरी अपनी रोशनी में फ़िक्र की कि इस किताब का आपके, आप ही इस किताब के अहल हैं। हाँ हाँ, इस सवान हयात के सरकार दो आलम की ये बायोग्राफी, दिस इज़ बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मैंने ये सोचा, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि आपने मेरी कोई इल्म की कोई चीज़ मेरी नहीं देखी, चंद दिन में आप इसको आसमान पर ले गए। ये हो सकता है कि यहाँ किसी को पसंद आए या ना आए बात, लेकिन ये ज़रूरी थी जो मेरी फ़िक्र ने कहा कि ये सबसे पहले किताब में होना चाहिए। इसमें मेरी बायोग्राफी और चीज़ें हैं शुरू में, ये जो है ये इसके लिए रोशनी के लिए कहा कि ये यहाँ होना चाहिए। मेरी फ़िक्र ने कहा कि सवान हयात का पहला सफ़ा खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के एक सबूत के साथ होना चाहिए कि आप आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अपनी तुम्हारे, हाँ ये सूरतों में फरमाते हैं, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं, और वो अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुल नबीयीन हैं। गौर करें कि आपके इस दुनिया में ज़हूर से पहले आपके वालिद बुजुर्ग हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को उठा लिया। आप अभी शिक में मादर ही में थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल ये बतला रहा है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि कोई और भाई बहन हो और आपका जानशीन और पैगंबर होने का दावा करे। फिर इसी तरह की आपकी वालदा को, माजदा को भी उठा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सौतेले बहन भाई होने का दावा करें। फिर आपके फर्जंदों को भी उठा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके फर्जंदों में से पैगंबर होने का धोखा हो या जानशीनी का सिलसिला बन जाए और नबूवत बादशाही में तब्दील हो जाए। बादशाह तो दुनिया में बहुत थे, ना ख़ानदानी विरासत बनने दी, यानी अगर हज़रत अली हो जाते खलीफा तो ख़ानदानी विरासत बन जाती, वो बनने नहीं दी अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के तहत, ना ख़ानदानी विरासत बनने दी। फिर खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ, जिन्होंने आपकी नबूवत अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत की, जिनके दीन दम से दीन को चार चांद लग गए। मैंने आगे मुकम्मल हालात तहरीर किए हैं। और आपके कोई रज़ाई भाई बहन न थे। रज़ाई भाई बहन से मतलब अगर किसी दूध पीते, जैसे कहते हैं कि बदवन का दूध पी करके आपने, तो फिर वो रज़ाई भाई बहन थे, फिर आखिरी नबूवत ना रहती। तो इसीलिए कोई रज़ाई भाई बहन न थी, उन्होंने दूध अपनी ही वालदा का पिया। हाँ, ये अभी पहली चीज़ ये कि एक ज़रूरी चीज़ है, मैं ये इसके बारे में वो कर दूँ कि ये कहते हैं कि फरिश्ते आए और आके सीने को चाक किया, और हाँ ये उसी वो हलीमा का के बयान का, उनके पास क़याम के दौरान एक और वाक़या भी जिक्र किया जाता है जिसे शक़े सदर कहा जाता है। एक रोज़ हजूर बच्चों के साथ खेल रहे थे कि हज़रत जिब्राइल आए, आपको ज़मीन पर लिटा दिया, आपका सीना चाक किया, आपके दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया और ठंडे पानी से धोकर फिर सीना चीर दिया। इस लोथड़े के बारे में फरमाया, ये शैतान का हिस्सा है। अब आप अंदाज़ा करें, पहली चीज़ ये कह कौन रहा है सही और गलत की, पहले तो ये देखना है कौन। हज़रत अबू बकर फरमाते तो माना जाता, वो भी उस ज़माने में बच्चे थे, लेकिन हज़रत अबू तालिब कहते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते,